अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल वहाब अहमदानी। खबरों का आगाज़ करेंगे और जानेंगे पाकिस्तान भर से अहम खबरें। चिचावतनी थाना सिटी की हदूद से लापता होने वाले शख्स की बीवी ने शोहर के ना मिलने पर खुदकुशी की कोशिश की। अनीता नामी खातून ने अपने बाजू पर ब्लेड से कट लगाकर फंदा डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की। खातून को तफ्तीशनाक हालत में THQ मुंतकिल करके तिबी इमदाद फराम करने के बाद सहवाल DHQ मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाकई की तहकीकात शुरू कर दी। चिचावतनी खातून का शोहर शहजाद नदीम घर से काम के लिए निकला था, जो कि लापता हो गया। 4 दिन गुजरने के बावजूद भी पुलिस नदीम का सुराग ना लगा सकी। ननकाना साहब के नवाई गांव में अजीमुल शान ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें मुल्क के नामवर उलमा कराम ने शिरकत की। जिसमें मुल्क के नामवर उलमा कराम ने खिताबात किए। महफिल पाक में नकाबत इमरान अली चिश्ती, तिलावत कुरान पाक कारी इफ्तखार अहमद अली नक्शबंदी, हदिया नाज शरीफ इमरान सैरवी, साहबजादा सैयद अहमद अंसारी ने पेश किया। और खिताब अलामा मोहम्मद नवीद इकबाल चिश्ती, अलामा मोहम्मद असद मदनी, अलामा मोहम्मद आसिम रिजवी ने किया। महफिल पाक में खसूसी शिरकत पीर सैयद शकूर शाह, अलामा मोहम्मद सूफी मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी, अलामा कामरान अतारी, मुनीर अहमद शैद, पीर शफीक मोहम्मद सैफी, नौजवान सहाफ़ी हाफिज़ मोहम्मद नवीद कम्बो, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और दीगर की हाजरीन। महफिल से उलमा कराम ने खिताब करते हुए कहा कि नामूसे रिसालत के पहरेदार बन जाओ, दीन की खातिर अपने जान माल सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दो, और नामूसे रिसालत पर कभी भी आँच ना आने देना। जो भी ख़त्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त पर नबी करीम का हाथ होता है। आखिर में मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की गई। अगली खबर शामिल करेंगे बाग आज़ाद कश्मीर से। यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर मेजर रफीक अहमद शहीद की कब्र पर पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया। फूलों की चादर चढ़ाई गई और आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मुल्क भर की तरह बाग आज़ाद कश्मीर में भी यौम दिफा पाकिस्तान शान शान तरीके से मनाया गया। इस मौके पर AK-6 ब्रिगेड की तरफ से 65 की जंग शहीद में शहीद हुए सितारा जुरत मेजर रफीक अहमद शहीद की कब्र पर एक पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें मेजर रफीक अहमद शहीद के भाइयों शेख मुजीब अहमद, शेख मुश्ताक अहमद, पाक आर्मी के जवानों और ब्रिगेड कमांड 6A के अलावा सिविल सोसाइटी के अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। मेजर रफीक अहमद शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। इस मौके पर हाई स्कूल हडा बारी के तलबा ने यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से तकरीर की और शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि हम दिफा पाकिस्तान के लिए पाक आर्मी के शाना बशाना खड़े हैं। रिनाला खुर्द के नवाई इलाके में प्राइवेट हस्पताल कई इंसानी जाने ले चुका है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अली अस्पताल ना तो PHC से रजिस्टर्ड है और ना ही वहाँ पर कोई बाकायदा डॉक्टर मौजूद होता है। ऑन कॉल डॉक्टर आता है, ऑपरेशन करता है और चला जाता है। उसके बाद मरीजा अताई अजहर वट्टू और उसके बीवी के रहमो करम पर होते हैं। अताई डॉक्टर अजहर वट्टू ने सिर्फ जचकी ऑपरेशन करवा रहा है, बल्कि डॉक्टर बनकर कैंसर जैसे मुझी मर्ज समेत तमाम अमराज का खुद इलाज कर रहा है। और इलाका भर से तमाम अताई डॉक्टर से डिप्टी DHO और ड्रग इंस्पेक्टर नाम मंथली वसूल करता है। एक साल कबल भी अताई डॉक्टर का अस्पताल सील हुआ था, जो कि बाद में बयान हल्फी देकर डॉक्टर सील करवाया था और खुलेआम खिलाफ वर्जी कर रहा है। अवाम ने कमिश्नर साहिवाल, DCO उकाड़ा और CEO हेल्थ से मुतालबा किया है कि इस गैर कानूनी अस्पताल को फिलफौर सील कर दिया जाए और अताई अजहर वट्टू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि इंसानी जानें बचाई जा सकें। अगली खबर शामिल करेंगे बाग आज़ाद कश्मीर से। ख्वाजा तैर रफीक की रिटायरमेंट के बाद उनके ज़िले में आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं मकसूद रजा अंसारी। जी मकसूद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। महकमा शाहरात में नायब मातम के फ़राइज अंजाम देने वाले ख्वाजा तैर रफीक अपनी सर्विस के 39 साल मुकम्मल करके पलंदरी से रिटायर हो गया। उनकी रिटायरमेंट पर उन्हें पसारी पुल से एक रैली की सूरत में उनके आबाई घर मोहल्ला ख्वाजगान लाया गया, जहां पर इस्तकबालिया प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि ख्वाजा तैर रफीक ने अपनी सर्विस नहायत ईमानदारी और फर्ज शनासी से मुकम्मल की। महकमा शाहरात में उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। ये वो अफ़ीसर हैं जो अपनी ईमानदारी की वजह से सियासतदानों के अताब का शिकार रहे और उन्हें अपने होम स्टेटस पर भी बहुत कम अरसा तैनात रहने दिया गया। ये बाग के अलावा भी जहां भी सर्विस करते रहे, लोगों की खिदमत खलूस दिल से करते रहे और ये लोगों के मसाइल कम करने में कोशा रहे, जिसकी वजह से ये अवामी सतह पर मकबूल और पसंदीदा अफ़ीसर रहे। इस शान और शौकत से उन्होंने पूरी की कि हर आदमी जिला बाग से ताल्लुक रखने वाला और बाहर से उनकी सर्विस पे रख कर पाए।
इस पे मैं आप सबको के खानदान के लोग, उनकी बरादरी के लोग, इस मोहल्ले के लोग, उनके कोलीग, उन सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। किसी साथी मुझे जहन से निकल गया, जाद मोहम्मद साहब ने किससे लगाई हुई थी, अकमल आरफ ने मेरे ख्याल से लगाई हुई थी कि वो बड़े एक्टिव और बड़े जानतदार और बड़े आदिल अजीज एसटीओ थे, सब इंजीनियर थे, तो उनकी जगह उसी तरह का, उसी कैलिबर का, उसी मेयार का कोई बंदा कायनात उस पोस्ट पर करें। ये एक लंबा सफ़र था जो बड़ा सब्र आजमा भी था, बड़ा पुरखा भी था, बड़ा जिसमें कांटे भी थे और फूल भी थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ख्वाजा ताहिर रफीक ने बड़ी दानिशमंदी से, बड़ी होशमंदी से असूल और ज़वाबत को सामने रखते हुए, मैं इसकी गवाही मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं इनके साथ, मैं खुद एक एक्टिविस्ट हूँ। अगली खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। डेप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें सुथरा पंजाब इंसदाद तजावजात और डेंगी मुहिम, प्राइस कंट्रोल और दीगर मामलात का जायजा लिया गया। डेप्टी कमिश्नर ने सड़कों के अतराफ तजावजात को मसमार करके हमवार करने के अहकाम जारी किए। डेप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने इजलास में अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि शहरी और दही इलाकों में सफाई और सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाए, तंदूर पर नर्ख नामे की बोसीदा बैनर्स तब्दील किए जाएँ, दुकानों की जियो टैगिंग जल्द करने के अहकाम भी दिए। बीएस नर्सिंग में पंजाब के तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तलबा के एजाज़ में तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने तलबा तहमीना कंवल को तरीफी सनद और शीट से नवाजा और हुनार तलबा के वालदैन को गुलदस्ते पेश किए गए। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने शानदार नतीजे पर प्रिंसिपल कॉलेज की फैकल्टी मेम्बरान और तलबा की जानफशानी, लगन और मेहनत को भी सराहा और कहा कि जहीन और हुनार तलबा मुल्क को कौम का कीमती असासा हैं। नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता लोग बिला इम्तियाज इंसानियत की खिदमत करते हैं, किसी बीमार की मदद दिलजुई और इलाज इबादत के मुतरादिफ है, दुखी इंसानियत की खिदमत में नर्सों के किरदार इंतहाई अहम होता है। पोजीशन होल्डर तलबा तहमीना कंवल ने अपनी कामयाबी को असातिज़ा की मेहनत और वालदैन की दुआओं का नतीजा करार दिया। अगली खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। टाउट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। डीपीओ उकाड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत के अहकाम की रोशनी में जिला भर के तमाम थानों में टाउट माफिया के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। डीपीओ ने कहा कि काम करवाने के बहाने मासूम शहरियों को लूटने की इजाज़त नहीं देंगे। मनशात फरोशों के सहूलतकार अफसर और इसमें मुलविस टाउट माफिया में किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। अवाम अपने जायज़ मसाइल के हल के लिए खुद थानों में तशरीफ़ लाएँ, किसी को साथ लाने की ज़रूरत नहीं। किसी मजलूम को अगर थाने में दादरसी ना हो तो मुतलका एसपी, डीएसपी या मेरे दफ्तर तशरीफ़ लाएँ। पुलिस अफसरान थाने आने वाले तमाम दरख्वास्त गुजारों के साथ खुंदा पनशानी और खुश असलूबी के साथ पेश आएँ और नेक नीति से अपने फ़राइज सर अंजाम दें। खबरें आपने जानी, मुल्क भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एन न्यूज़। इसके अलावा आप हमें हमारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।